मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं संस्कृत की एक और क्लास लेकर आया हूँ जिसमें शब्द रूप प्रकरण की बात करेंगे। आज बात करेंगे अपन इकरांत पुल्लिंग शब्द। इकरांत पुल्लिंग शब्द, ये जो शब्द है ये क्या है? इकरांत पुल्लिंग शब्द कल अपन ने पढ़ा था, अकरांत पुल्लिंग शब्द। आज है इकरांत पुल्लिंग शब्द। इकरांत पुल्लिंग शब्द जो होता है इसके अंदर रूप कैसे चलते हैं, और अब मैं आपको बताया था कि रूप किस प्रकार से आपको याद करने हैं। इस प्रकार से बिल्कुल भी याद नहीं करने, हरी 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 हरी, इस प्रकार से याद करोगे तो आपको याद नहीं होगा। आपको सातों विभक्ति एक साथ याद करनी, ऐसे ऐसे, ठीक है? तो सबसे पहले अपन ये वाला याद करेंगे, हरी एकवचन, एकवचन से लगाकर संबोधन तक, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचम षष्ठी और सप्तमी तक। तो इसको ऐसे याद करना है, हरी हरिम हरिणा हरिये हरे हरे हरो हरे, हरिम हरी हरी हरिणा हरिये हरी हरी हरिणा हरे 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 हरो हरे, ऐसे याद करना है, ठीक है? इसके अंदर भी ऐसे ही करना है, ऐसे इस प्रकार से याद करना है, हरी हरी हरिभ्याम। इसके अंदर तो आपको आराम से याद हो जाएगा, हरी हरी तीन बार, हरिभ्याम हरिभ्याम दो बार, हरियो हरियो फिर है हरी, और बहुवचन के अंदर आ जाएगा इसमें भी ऐसे ही, हरिया हरीन हरी भी, हरिया हरीन हरी भी, हरिया हरीन हरी भी, हरी भी हरी भी हरिणाम हरीशु हरिया, ऐसे याद करना है। देखो आपको कैसे याद करना है, हरी हरिम हरिणा हरिये हरिम हरी हरिणा हरिये, हरी हरिम हरिणा हरिये हरिम हरी हरिणा हरिये, हरे हरे हरो हरे, हरे हरे हरो हरे, हरे हरे हरो हरे, ऐसे तीन तीन चार चार के ग्रुप बना के आपको याद करने। जैसे मैं करता हूँ, जैसे गीत के साथ एक लय ताल के साथ जिस तरीके से आप याद करोगे ना, तो प्रथमा विभक्ति से लगाकर संबोधन तक आपको सारे याद हो जाएंगे। उसी प्रकार इसके अंदर फिर कवि के, मुनि के, ऋषि के, विधि के, असी के, यति के, सबके चलेंगे, ठीक है? देखो एक बार और मैं करता हूँ, हरी हरिम हरिणा हरी हरिम हरिणा हरिये हरिम हरी हरिणा हरिये, हरे हरे हरो हरे, हरे हरे हरो हरे, ऐसे प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, ऐसे। इसका देखो अभी द्विवचन रूप में बोल रहा हूँ, ठीक है? द्विवचन रूप देखा है, हरी 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 दो बार बोलना है, प्रथमा द्वितीय हरी हरी प्रथमा द्वितीय पढ़ी, हरिभ्याम 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 तीन बार बोलना है, हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, तृतीय चतुर्थी पंचम हो जाएगा, फिर हरियो हरियो हे हरी, हरियो हरियो हे हरी, हरी हरी हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, हरियो हरियो हे हरी, ठीक है ना? इसी प्रकार बहुवचन के रूप देखो, बहुवचन के रूप कैसे बनेंगे, हरिय हरिन हरी भी, हरिय हरिन हरी भी, तीन तीन के ग्रुप बना के याद करो, हरिय हरिन हरी भी, हरिय हरिन हरी भी, हरिभ्य हरिभ्य हरिणाम हरीशु हे हरिये, है ना? ऐसे देखो वापस सुना रहा हूँ मैं, ठीक है? एक बार मैं फिर से सुना रहा हूँ, हरी हरिम हरिणा हरिये हरिम हरिणी, हरी हरिम हरिणा हरिये हरे हरे हरो हरे, हरे हरे हरो हरे, हरी हरिम हरिणा हरिये हरे हरे हरो हरे। अभी द्विवचन सुनिए, हरी हरी दो बार, हरी हरी फिर हरिभ्याम 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 तीन बार, फिर हरियो 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 दो बार, हरियो हरियो फिर हे हरी, संबोधन हो गया। बहुवचन का रूप सुनिए अभी, हरिय हरिन हरी भी, हरिय हरिन हरी भी, हरिय हरिन हरी भी, हरिभ्य हरिभ्य हरिणा हरीशु हरिय, हरिणा हरी हरिणाम हरीशु हे हरिय, ऐसे याद करना है, ठीक है? इसी प्रकार कवि के चलेंगे, मुनि के चलेंगे, ऋषि के चलेंगे। देखो कवि के लेके चलता हूँ मैं, कवि ही कविम कविणा कविये कवे कवे कवियो कवे, कवि कवि कविभ्याम 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 कवियो कवियो कवि हे कवि, है ना? कवि कविन कवि भी कविभ्य कविभ्य कविणा कविशु कवि हे कव्य, इस प्रकार ऋषि के भी इसी प्रकार चलेंगे, ऋषि ही ऋषिम ऋषिणा ऋषि ऋषे ऋषि हरो, हरो की जगह क्या हो गया, ऋषो हे ऋषि, हरी ऋषि 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 ऋषिभ्याम 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 ऋषियो ऋषियो हे ऋषि, ऋषिय ऋषिन ऋषि भी ऋषिभ्य ऋषिभ्य ऋषिणाम ऋषिशु हे ऋषि, ऐसे चल रहे, ठीक है? इस प्रकार से आप याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा।
आज के लिए इतना ही काफी है। इकरांत लिंग सब कल अपन बात करेंगे उकरांत के लिए।